हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2.5 मीटर फैब्रिक में पंजाबी कुर्ती की कटिंग। तो मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी जो लेंथ है 42 इंच तैयार है और हिप इसकी 20 इंच है। तो 20 इंच में हम 5 इंच प्लस करते हुए इस पर निशान लगाएंगे, यानी कि हम 25 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और जहाँ पर भी हम 25 इंच पर निशान लगाएंगे जितनी हमारी हिप है उसमें से हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जो इसकी लेंथ है वो 42 इंच है, तो इस तरह से जहाँ पर 42 इंच आएगा और नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। और अब हमने जो निशान लगाए हैं इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ से और ऊपर से इसे कट करेंगे जो हमारी जुड़ी हुई साइड है, जहाँ से जी देखिए इस तरह से जो हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है और एक फ्रंट पार्ट आएगा जहाँ से और एक बैक पार्ट आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसके आर्म होल की हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर रख लेना है। जी देखिए ऐसे हमने अच्छे से सेट कर लिया है, नीचे बैक पार्ट है और ऊपर फ्रंट पार्ट है। और इसकी जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद वाली साइड है, अब हमने बंद वाली साइड से तीरे का निशान लगाना है 6.5 इंच, और जहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और आर्म होल की लेंथ रखेंगे हम 7.5 इंच, और जहाँ से भी इसे सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और उसके बाद जहाँ से हम ब्रेस्ट का नाप लगाएंगे, ब्रेस्ट हमारे पास 19 इंच है तो 19 का हाफ हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और आर्म होल के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक हम 1 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से हम एक शेप दे देंगे। और जहाँ से हमारा 2.7 इंच नेक की ब्रॉडनेस आएगी, यानी कि 5.5 इंच हमारा नेक का आएगा, और जहाँ से 3 इंच का शोल्डर आएगा, और जहाँ से हम 1/2 इंच का शोल्डर इस तरह से डाउन कर देंगे। और उसके बाद हम बैक इंच पर बैक नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और लेंथ रखेंगे नेक की 5.5 इंच, और इसे भी इस तरह से शेप देंगे। जी देखिए इस तरह से शेप देने के बाद जैसे हमने इसके निशान लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग करेंगे। और जहाँ से जी हमने दोनों इस तरह से कट करने हैं आर्म होल, और इस तरह से जो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है, अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये सिर्फ हमने फ्रंट ही कट करना है, बैक कट नहीं करना, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। और अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। जी देखिए इस तरह से जो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, अब इसमें हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर, और जहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और जहाँ पर हम प्लेट्स की जो लेंथ रखेंगे 7 इंच रखेंगे, और जहाँ से 3.5 इंच इसका हाफ लेंगे और इसे सीधा ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद जहाँ से हम ऐसे प्लेट्स का निशान लगाएंगे 2 इंच का गैप छोड़ते हुए 2 से 2.5 इंच का, और इस तरह से हम ट्रिपल प्लेट डालेंगे। और इस तरह से हम पेन की हेल्प से इन निशानों को दूसरी साइड पर भी ट्रेस कर लेंगे।
जी देखिए इस तरह से जो है हमारे निशान आ जाएंगे दूसरी साइड पर ट्रेस किए हुए हैं, और इस तरह से इन्हें भी हम ड्रॉ कर लेंगे। सात इंच की लेंथ रखते हुए इस तरह से इसे भी ड्रॉ करेंगे। और जहाँ से भी हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे दो दो इंच का गैप छोड़ते हुए। अब हम बैक में प्लेट का निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर। बैक में सिर्फ हम दो प्लेट ही डालते हैं। और इसे भी हम दूसरी साइड पर ट्रेस कर लेंगे। जी देखिए फ्रेंड इस तरह से जो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम साइड में कर देते हैं अच्छे से फोल्ड करते हुए। और इसमें से हम 1 इंच का इस तरह से फैब्रिक निकालेंगे जो हम नीचे प्लेट के नीचे लगाएंगे, और इस फैब्रिक को हम अपने हिप के ऊपर और शोल्डर में जो स्ट्रिप लगाते हैं उसमें यूज़ करेंगे। और इस फैब्रिक में से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो डबल फोल्ड फैब्रिक है, और एक बार इसे इस तरह से और फोल्ड कर लेंगे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद जहाँ से भी जो ऊपर नीचे फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम जहाँ से 17 इंच हमारी लेंथ है स्लीव की, तो हम 20.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। इस स्लीव में हमारा ज्वाइंट लगेगा। जी देखिए इस तरह से 8 इंच हमारा शोल्डर आएगा, 8 से 7.5 इंच। तो इस फैब्रिक का हम ज्वाइंट लगाएंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे जो हमारे 4 ज्वाइंट लगेंगे स्लीव में। और जहाँ से कट कर लेंगे और अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में से कट करेंगे। इस तरह से जो हमारे टोटल 4 ज्वाइंट की कटिंग हो जाएगी। अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे 1/2 इंच, और जहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्महोल की लेंथ रखेंगे 8 इंच, और जहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे और जहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए जितनी हमारी स्लीव तैयार है उसका निशान लगाएंगे 18 इंच, और आगे से स्लीव हमारी 5 इंच है। तो इस तरह से हम शेप देते हुए इस स्लीव की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ज्वाइंट लगाकर भी अपनी स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ज्वाइंट रखकर भी आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कटिंग कीजिएगा। और ऊपर आप हम एक नोचेस लगा देंगे और जहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद हम बीच में से 2 पार्ट लेते हुए फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। और इस तरह से फ्रेंड से हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ कुर्ती की कटिंग करना बताया है। अगर आपको हमारी ये कटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। Thank you. Thanks for watching.